नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। लालगंज अवर निबंधन कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री को लेकर दो पक्ष की महिला और पुरुष आपस में भीड़ गए और कार्यालय परिसर में ही मारपीट, धक्का मुक्की, गाली गलौज करने लगे। यहां तक कि महिलाएं भी आपस में भीड़ गई तथा एक दूसरे पर जूते चप्पलों से हमला कर दी, जिसके चलते निबंधन कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। दरअसल वैशाली प्रखंड के चकलाहलात पंचायत के एक पक्ष का महताब अली रहमान अपना जमीन बेचने पहुंचे, तभी वही का मु असलम भी अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंच गया। अब मु असलम का आरोप था कि जमीन के बदले वो 4,70,000 रुपया महताब अली रहमान को दिए हुए है। बावजूद इसके वो दूसरे को जमीन बेचने यहां पहुंचा है। वही जमीन वाले महताब अली रहमान का कहना था कि ये हमको कई किश्तों में पैसा दिए। एग्रीमेंट के हिसाब से 30 नवम्बर 2020 तक इनको जमीन का पूरा पैसा हमको देना था। इनका एग्रीमेंट फेल हो गया है, अब हम इनको जमीन नहीं बेचेंगे। ये जो पैसा दिए है उसे हम वापस कर देंगे। वही दूसरा पक्ष किसी भी सूरत में पैसा लेने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि हम जमीन के बदले पैसा दिए हैं और हम जमीन लेंगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में ही इनकी भिड़ंत हो गई। विवाद बढ़ता देख लोगों ने लालगंज पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाने से दलबल के साथ पहुंचे एजाज आलम ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और थाने ले गए। इस संबंध में डीएसपी सह थानाध्यक्ष विप्लव कुमार ने बताया कि हंगामे की सूचना मिली थी, जिसके बाद थाने से पुलिस बल के साथ पदाधिकारी को भेजा गया था। अभी तक किसी पक्ष के द्वारा आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभंजन कुमार मिश्रा, वैशाली।